छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी कर दिया है और 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहां काफी वक्त तक ये लंबा मसला चला है महिला पहलवानों से जुड़ा हुआ, आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने। बताएं ये पूरा मामला किस तरह से कोर्ट में संज्ञान लिया गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों की शिकायत पर जो केस दर्ज किया था उसमें कुछ दिन पहले चार्जशीट पेश की थी और चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट ने आज उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। ये चार्जशीट आईपीसी 354D में पेश हुई थी। जो कोर्ट का नियम होता है उसके तहत जैसे ही चार्जशीट पर संज्ञान होता है तो इस केस में जो भी आरोपी होते हैं उनको कोर्ट नोटिस जारी करता है, कोर्ट में पेश होने के लिए कहता है। तो कोर्ट ने जो आरोपी बृजभूषण शरण सिंह हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। अब 18 जुलाई को उनको पेश होना होगा। इस केस में एक और आरोपी हैं जो कि भारतीय कुश्ती संघ में सचिव थे, विनोद तोमर, उनको भी कोर्ट ने 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि चार्जशीट पेश हो गई है, अब इस केस का जो ट्रायल है वो 18 जुलाई के बाद जो है शुरू हो जाएगा। 18 जुलाई को पेशी होगी और उसके बाद जो आरोपी है उसको इस केस में ट्रायल का सामना करना होगा। तो छह महिला पहलवानों की शिकायत थी उस पर ये कार्रवाई हुई है। वहीं जो दूसरा मामला है जिसमें नाबालिग महिला पहलवान के आरोप थे उस मामले में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट लगा दी है, तो उसमें अलग कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस मामले में अब जो आरोपी बृजभूषण शरण सिंह है उनको कोर्ट में पेश होना होगा और ये साबित करना होगा कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं। जी जी मुकेश, हमने देखा काफी जो प्रोटेस्ट चला महिला पहलवानों का, उसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी और काफी लंबा ये चला था। अब ये कानूनी लड़ाई चल रही है, आप ये बताएं कि पुलिस की जो अभी तक जांच हुई है वो किस दिशा में और अभी तक कहां पहुंची है? देखिए, इसमें दो अलग अलग बातें थी। पहली बात तो नाबालिग महिला पहलवान के आरोप से जिस पर दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी है क्योंकि नाबालिग महिला पहलवान खुद ही अपनी जो उसका बयान था उसे पलट गई थी। दूसरा जो मामला है वो छह महिला पहलवानों का है। ये जो आरोप है 2012 से लेकर 2022 के बीच में है। इसमें पुलिस ने तमाम 125 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं जिसमें 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दी है। बाकी जो आरोपी हैं उन्होंने कहा कि उनके सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो इस केस में सबूत के तौर पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन जो महिला पहलवानों के बयान है वो अपने आप में काफी है। अब देखना होगा कि ट्रायल के दौरान कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर क्या रहता है, कोर्ट का रुख क्या रहता है। और दूसरा ये है कि यहाँ अपने दर्शकों को हम बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।